तो दोस्तों गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें जो इतिहास से संबंधित है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है उन सभी को कंप्लीट कर लेते हैं कि ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी और किसके लिए या इसके इन पुस्तकों में किसका वर्णन दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पुस्तकें जो है आपके लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है, यूपीएससी से लेके छोटे से छोटे एग्जाम में इन पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। तो आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि किसी भी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सी पुस्तक दी गई है, मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस को किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा, और उसमें मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी पुस्तक आती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा इसको लिखा गया है, और ये व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है। व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है कौन सा, अष्टाध्यायी, और पाणिनि के द्वारा इनको लिखा गया है। तीसरा है महाभाष्य। तीसरा कौन सा है, महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है, पतंजलि के द्वारा, और ये किसके टाइम थे पतंजलि, ये पुष्य मित्र सुंग के टाइम में थे, और पुष्य मित्र सुंग के बारे में पूरी जानकारी कहाँ पे दी गई है, महाभाष्य में। और पतंजलि पुष्य, ये भी पूछा जाता है कि पतंजलि किसके शासनकाल में थे, पुष्य मित्र सुंग के। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे कि जो ये व्यक्ति दिए गए हैं ये किसके शासनकाल में थे, क्योंकि लगभग उसी काल से संबंधित उन्होंने ये पुस्तकें लिखी है। चौथा आपका है कथा सरित सागर, ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी मौर्य काल से के विषय में हमें जानकारी प्रदान करती है। उसके बाद में पांचवी है वृत्त कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है, ये मौर्य काल के विषय में है। तीन पुस्तकें जो आपके लिए आसान हो जाएगी, जैसे मौर्य काल के बारे में और कौन सा है, विशाख दत्त का, और सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र के द्वारा वृत्त कथा मंजरी, ये मौर्य काल के विषय में जानकारी प्रदान करती है। छठा आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये राजनीतिक से संबंधित ग्रंथ है, न कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसका नाम है, और किसके द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा, जिसे हम और क्या कहते हैं, चाणक्य। इनका एक और नाम है, वो है विष्णुगुप्त, ये आप नोट कर लीजिए। इनके अलग जो नाम है वो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देती हूँ। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्हीं का एक राजनीतिक ग्रंथ है, और मौर्य काल के समय में ही इन्होंने ये लिखा था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कौटिल्य से शिक्षा ग्रहण की थी, और इन्हीं की शिक्षा के आधार पर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे वाले देख लेते हैं। आगे है नीतिसार। नीतिसार कामदक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, और ये गुप्तकालीन राजतंत्र पर आधारित है। किस पे आधारित है, गुप्तकालीन राजतंत्र पर, गुप्तकाल से संबंधित है। ये सातवां ये हो जाएगा नीतिसार, कामदक के द्वारा लिखी गई है, गुप्तकाल से संबंधित राजतंत्र किस प्रकार का था, ये सारी जानकारी नीतिसार में दी गई है। आठवां आपका हो जाएगा मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा, और इसमें सुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, सुंग वंश के बारे में। कालिदास किस टाइम में थे, सुंग वंश के टाइम में। नौवां आपका हो जाएगा मृच्छकटिकम, ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मृच्छकटिकम, और ये भी किससे संबंधित है, गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है, कि गुप्तकालीन जो समाज था वो कैसा था, किसके अंदर किया गया है, मृच्छकटिकम, शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। दसवां आपका हो जाएगा हर्षचरित। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, और राजा हर्ष के बारे में जितनी भी उनकी उपलब्धियां थी उन सब के बारे में बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित में उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ग्यारहवां आपका है रामचरित। रामचरित मानस अलग है, रामचरित अलग है। रामचरित मानस लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा,
लेकिन रामचरित लिखी गई है संध्याकर नंदी के द्वारा। ऑप्शन में कई बार चार पुस्तकें दी जाती है जिनमें रामचरित दिया होता है, एक साइड में तुलसीदास लिखा होता है और आप उसका आंसर क्या करके आ जाते हैं, तुलसीदास। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रामचरित संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस में भगवान राम के बारे में और रामचरित में बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। किसकी जीवन कथा है? बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। नेक्स्ट देखिए, अगला है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो लिखी गई है चंदर बरदाई के द्वारा, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। जैसे हर्षचरित में राजा हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है बाण भट्ट के द्वारा, उसी प्रकार चंदर बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। 13वां आपका हो जाएगा रासतरंगिणी। किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। रासतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है और इसमें क्या दिया गया है? कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी। कश्मीर में जो शासक थे, कौन सा शासक पहले था उसके बाद और उनमें क्या क्या किस तरह का राजवंश था, ये सारी जानकारी रासतरंगिणी में दी गई है कल्हण के द्वारा। ये लिखी गई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी जो आपको बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम में इन पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है कि किस वंश से या फिर किसके द्वारा लिखी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर क्लास को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये सारी पुस्तकें आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी सारी चीज़ों के लिए, जैसे अगर कोई भी बच्चा आर ओ आर ओ का एग्ज़ाम दे रहा है तो आर ओ आर ओ की सीरीज़ भी हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है। उसके अलावा हिस्ट्री की क्लासेज और मैपिंग की क्लासेज। तो जो भी बच्चा आर ओ आर ओ या फिर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।